हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्विनी विद्यालय। माई सेल्फ सुरेखा पटेल एंड विल कंटिन्यू अवर चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो कॉरपोरेशन की बात की थी वो स्मॉल लेवल पे यानी कि सिटी लेवल में की थी, जिसको म्यूनिसिपैलिटी भी कहा जाता है। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट शुड बी अ टाउन लेवल, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन सिटी से भी ज़्यादा हो। तो ये जो वार्ड, अलग अलग वार्ड में जो म्यूनिसिपैलिटी डिवाइड की जाती है, तो ये जो वार्ड की पॉपुलेशन अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे जो है कॉरपोरेशन की रचना की जाती है। तो आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉरपोरेशन। नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉरपोरेशन इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं वो कितने रहेंगे, इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज अ काउंसिलर और कॉरपोरेटर। द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। जो कॉरपोरेशन के हेड होते हैं उसे मेयर से जाना जाता है। और मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज अ काउंसिलर और कॉरपोरेटर। देर आर 8 कॉरपोरेशन इन गुजरात। गुजरात के अंदर टोटल 8 कॉरपोरेशन हैं। नाउ कंपोजिशंस, तो कंपोजिशन यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कॉरपोरेशन का जो कंपोजिशन यानी फॉर्मेशन है, द म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड। म्यूनिसिपैलिटी जो है अलग अलग वार्ड के अंदर इसको डिवाइड करती है। अ वार्ड इज द एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन अप टू 75,000। ऐसा वार्ड कि जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 75,000 है या उससे ज़्यादा है। देयर आर 4 मेंबर्स, जिसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स। 50% जो है वो रिजर्व मेंबर्स है। ऑल वोटर्स इन द सिटी कैन वोट इन पोल एंड इलेक्ट देयर ओन लोकल कॉरपोरेटर। हर एक वार्ड के अंदर सिटीज के जो वोटर्स होते हैं, तो ऑल जो वोटर्स होते हैं वो अपने पोल के हिसाब ही वोट करते हैं और अपने एरिया के लोकल कॉरपोरेटर को चुनते हैं। मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स इलेक्ट बाय मेंबर थ्रू अ मेजोरिटी। और जो मेयर होता है वो अलग अलग वार्ड के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है मेजोरिटी वार्ड से। द मेयर होल्ड हिज और हर पोस्ट फॉर 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स के लिए मेयर का जो टेनर होता है, वर्क टेनर, वो 2.5 ईयर्स के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो वेरियस कमिटीज आर फॉर्म फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स, अमॉन्ग विच स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे मोस्ट कमिटी जो है वो है स्टैंडिंग कमिटी। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कमिश्नर। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर से जाने जाता है। ये इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट से के द्वारा चुने जाते हैं। नाउ फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देयर इज मोर पॉपुलेशन इन सिटी। सिटी के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन था, सो द वर्क हैज़ बी डन विद अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द सिटीजन। लोगों की जो है उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो भी ये यहाँ पे कॉरपोरेशन में वर्क करता है तो ये जो कॉरपोरेटर है, मेयर है, उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा रहती है। तो कौन से वर्क जो है उनके अंडर में आते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीनिक एंड सैनिटेशन। लोगों की हेल्थ से जुड़े हुए हाइजीनिक तंदुरुस्त एटमोसफियर जो है क्रिएट करने का काम इनका है। प्रोविजन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रेनिंग सिस्टम यानी कि सुएज। क्लीनिनेस एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। अरेंज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स एंड गार्डन्स। कंट्रोल एडल्टरेशन इन द एडिबल आइटम्स। एडल्टरेशन यानी कि जो मिक्सिंग किया जाता है, भेड़ से प्रवृत्ति होती है, एक्टिविटीज होती है, बराबर। दूसरी जो मल न्यूट्रिशन वाली जो चीज़ें होती है वो अच्छी चीज़ों के अंदर मिला के उसको बेचा जाता है।
तो अगर ऐसी चीज अगर ऐसा ऐसे हम हमारे यहाँ आजू बाजू कहाँ पे होता है तो उसको रोकना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड मैरिजेस, हमारे जितने टाउन एरिया के अंदर जो डेथ होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं या मैरिज होते हैं, न्यूली मैरिज, तो ये सब का रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो ये कॉरपोरेशन के अंदर किया जाता है। जब हम लोग गुजरात के अंदर, गुजरात के कितने कितने कॉरपोरेशन हैं तो उसकी एक लिस्ट भी हम लोगों को तैयार करनी है। नाउ कलेक्टर, हम लोग बोलते हैं कि भाई ये वलसाड़ जिला का कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बराबर। तो ये कलेक्टर क्या है? कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पूरी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखने का काम जो है किसका है? कलेक्टर का। बिसाइड बीइंग अ कलेक्टर ही और शी वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये काम भी उसको करना होता है कलेक्टर के अलावा। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड थ्रू अ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर और दो अ प्रमोशन। ये जो कैंडिडेट होता है वो कोई डिग्री से या फिर इलेक्शन से ऐसे नहीं चुना जाता है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट कलेक्टर की पोस्ट पे आता है तो उनको यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो पास करनी होती है, या फिर कोई बड़े हेड के अंदर यानी कि बड़े डिपार्टमेंट के अंदर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो वहाँ पे अगर उसको प्रमोशन मिलता है तभी वो कलेक्टर की पोस्ट पे आ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम और हर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। ही और शी मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो भी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट का उसको रन करना है। इट्स कलेक्टर ड्यूटी टू एंश्योर दैट देयर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर जो है वो ही अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी फूड सप्लाई ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई यहाँ पे ये शॉर्टेज है या नहीं है। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। पंचायती राज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द वर्क्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन सा काम करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट के जो उसको कोऑर्डिनेट करने का और उसे मैनेज रखने का काम कलेक्टर का है। कलेक्टर इज द सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सेक्रेटरी भी है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, अलॉट्स द रिजर्व सीट इन ग्राम पंचायत। उनके द्वारा ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स है वो उनकी रिजर्व सीट जो है वो बताई जाती है। ही डिटरमाइंस टू रिजर्व द पोजिशन टू ऑफ सरपंच फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड वुमन। वो जो भी पंचायती राज के अंदर जो सरपंच की सीट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं यानी बताते हैं कि वो जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से, सोशली या एजुकेशनली है तो या फिर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। तो ये डिटरमाइन करने का काम यानी कि उसकी जानकारी देने का काम भी जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। एग्जाम कलेक्ट कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर यूपीएससी। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे जो है वो ऑफिसर्स की ड्यूटीज क्या है, वो कंसिस्ट एग्जाम्स उन लोगों को जीपीएससी, यूपीएससी, ये सारी एग्जाम जो है कंडक्ट करनी होती है तभी ये सारे पोस्ट पे नियुक्ति होती है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मामलतदार, मामलतदार ऑफिस में आप लोग कभी गए भी होंगे, आप लोगों के पेरेंट्स के साथ कुछ भी और लीगली सर्टिफिकेट जो है जैसे कि इनकम, कास्ट, रिजाइन, ये सारे रीजनल ये सारे सर्टिफिकेट्स के लिए मामलतदार जो है ऑफिस का आप लोगों ने कभी ना कभी जाना हुआ होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कि कैसे जन सेवा केंद्र यानी ई केंद्र के द्वारा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करके ये जो है लीगल सर्टिफिकेट्स जो है लोगों को दिए जाते हैं। आगे
देखते हैं कि किस तरीके का वर्क इन लोगों का रहता है। तो मामलेदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल, जैसे कलेक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसी तरह तालुका लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है मामलेदार। हिज हर सेक्शन इज डन थ्रू द एग्जामिनेशन और प्रमोशन कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम का नाम है, यानी GPSC स्टेट, यानी यहाँ पे गुजरात भी बोल सकते हैं। मामलेदार इज अ रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका विच इज मेड अप ऑफ एन एवरेज ग्रुप ऑफ 50 विलेजेस और मोर, जो 50 से ज्यादा विलेजेस है उसके रेवेन्यू हेड भी उसे माना जाता है। एज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द कलेक्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी रिलेटेड रखते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट ही लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चुने जाते हैं। प्रिपेयर्स वाटर लिस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कंडक्ट इलेक्शन, प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स, मैनेजेस एंड कंट्रोल मिड डे मील्स, रिलीफ ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो ये सारे वेलफेयर यानी वर्क करने का काम जो है वो मामलेदार का है। आगे बढ़ते हैं द लास्ट टॉपिक, देयर इज अ लोक अदालत। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके की जुडिशरी सेक्शन जो है वो रन करती है, जुडिशरी सेक्शन रन करती है, जिसके अंदर सबसे अपर यानी एपेक्स जो है सुप्रीम, वो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंदर जो है डिफरेंट अलग अलग कोर्ट होती है, जैसे कि सब ऑर्डिनर कोर्ट्स, जिसमें तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंचायती कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। तो इस तरीके के सारे कोर्ट्स जो है वर्क करती है, जिसके अंदर एक है लोक अदालत। तो ये लोक अदालत क्या है? लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू और टू इम्पार्टिंग जस्टिस टू द पुअर, सोशली बैकवर्ड पीपल, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, पीपल हैविंग लो इनकम एक्सेट्रा, सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम जस्टिस। ये लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत एक ऐसी चीज है, ये इसलिए एस्टैब्लिश की गई है कि इम्पार्टिंग जस्टिस, गिविंग अ जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव के बिना एकदम ट्रांसपेरेंट जस्टिस तुरंत ही, किसके लिए? टू द पुअर, सोशली बैकवर्ड पीपल, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, पीपल हैविंग अ लो इनकम, जिसके वजह से, सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव फ्रॉम जस्टिस, जिसके वजह से वो लोग जस्टिस से दूर ना रह जाए, उनके साथ अन्याय ना हो। वेन बोथ द पार्टीज एग्रीज दे आर कॉल्ड टू लोक अदालत, अगर दोनों पार्टी जो पिटिशन है वो भी और जो क्रिमिनल है वो भी, बोथ वन जिसने जिन्होंने कंप्लेन फाइल की है वो है पिटिशन कहा जाता है। तो ये दोनों अगर एग्री है तो लोक अदालत को बुलाया जा सकता है। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज इससे टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, इवन ऑल्सो जो रिजल्ट मिलता है इट शुड बी ऑन द टाइम। लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज इन सच अ वे दैट नो वन लॉसेस और नो वन विंस। हमारे यहाँ ऐसे भी केसेस है कि वो बहुत लंबे समय से चले जा रहे हैं, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, नो वन लॉस नो वन विन, नो एक्सपेंसेस इन दिस द फाइल अ केस इन इट। ये लोक अदालत को बिठाने के लिए, फाइल करने के लिए कोई फीस भी नहीं है। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अफेयर्स आर रिजॉल्व एंड सेटल्ड सेटिस्फैक्टरीली। लोक अदालत फ्रीज द पार्टीज एंड विटनेस फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ फ्रीक्वेंट विजिट टू कोर्ट। When settlement and agreement does not become a possible, then लोक अदालत takes up the case in hand. अगर settlement और agreement लोक अदालत के द्वारा possible होती है तो does not become possible, अगर नहीं है तो लोक अदालत जो है ऐसे केस लेती है। The judgment that it is acceptable all the parties. तो order of लोक अदालत is the final order. लोक अदालत brings the end of disputes. जो भी डिस्प्यूट से अराइज हुए हैं उसको रिमूव करने का काम करती है। बोथ पार्टीज गेट जस्टिस एंड डिस्प्यूट इज रिजॉल्व, मनी एंड टाइम इज सेव। परमानेंट लोक अदालत हैज बीन एस्टैब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट गुजरात बाय गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद। गुजरात बार एसोसिएशन और गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा ये लोक अदालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत जो है वो बनाई गई है। देर इज नो फी टू फाइल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन। तो यहाँ पे लोक अदालत में केस लड़ने के लिए किसी भी तरह की फीस
की भी जरूरत नहीं है और कोई भी एक्शन जो है हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि टाइम बचता है, बराबर, सेव द मनी, और दूसरा कि जो भी जस्टिस मिलता है वो ऑन द स्पॉट तुरंत ही मिल जाता है. तो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ इट. नेक्स्ट वीडियो विल बी सेंड यू फॉर अ रिविजन, सॉरी, एक्सरसाइज सॉल्यूशन. थैंक यू.